एक्चुअली ना मुझे मेकअप करना नहीं आता, मेकअप के नाम पर ना बिंदी लिपस्टिक और सिंदूर बस बहुत ज्यादा हो गया, तो थोड़ा सा पाउडर अप्लाई कर लेती हूँ फेस पर बस। तो ना जैसे मैं यूट्यूब पर मेकअप की वीडियोस देखती रहती हूँ, तो उसमें बता रखा था कि जिनकी आईब्रो लाइट होती है ना हल्का सा काजल लगा लें तो वो बहुत अच्छी लगती है। और इन्होंने बताऊं काजल इतना ज्यादा लगा लिया, इतनी डार्क आईब्रो, मैं कह रहा ये क्या कर लिया है। नहीं मैं बताती हूँ क्या हुआ, बताया क्या हुआ, मैंने हल्का सा काजल लेकर ना यू करके लगाया और उसे फिंगर से ना यू करके फैला दिया तो पूरी फैल गई। मेरे शुरूप नखा होती है ना बिल्कुल शुरूप नखा जैसी मेरी आईब्रो हो गई, और मैं खुद पहले अंदर अकेली खड़ी हुई और मैं यू मिरर में देख कर मेरी हंसी ना रुके मैं बाहर गई साफ करने के लिए। मैंने सोचा इनमें से कोई ध्यान देगा नहीं, और राधे ने ध्यान दे दिया, कह रहा ये क्या हो गया मम्मी, और इतने हंसरा हंसते हंसते गिर गया नीचे ही, और कह रहा तुम्हारा ब्लॉग बनाता हूँ तो मैंने थैंक गॉड फटाफट पानी लगा। अब तो इन्होंने साफ कर लिया वरना पहले देखते ना। ओहो भयंकर, याद हो आपको एक सीरियल आता था चंद्रकांता, उसमें वो था ना क्रूर सिंह, बिल्कुल वैसी हो गई थी मेरी आईब्रोज अभी भैया ना। मेकअप हमारे बस की नहीं है, जैसी हूँ वैसी निकल। हाँ वैसी अच्छी लगती हो बहुत। आज जा रहे हैं हम अपनी माता को विदा करने के लिए, तो देखिए हम कैसे अपनी माँ को विदा करते हैं। हर साल तो हम पार्क में ही माता को सिला देते हैं, बट आज मन था कि माँ को जल प्रवाह करें, तो माता की कृपा से हो गया गाड़ी का इंतज़ाम और अब हम सब जा रहे हैं माता को विदा करने। माँ को लेकर चले हम जल प्रवाह करने के लिए, माँ के बिना घर तो हो जाएगा सूना सूना। जय माता दी, बोल सच्ची दरबार की जय। मैया रानी कोई गलतियां हो गई हो तो माफ करना, आपके बच्चे हैं हम। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई। जय माता दी, प्रेम से बोलो। जय माता दी, मिलकर बोलो। जय माता दी, माँ हाथ कुवारी। जय माता दी, माँ लगे प्यारी। जय माता दी, मेरी माँ बोली। जय माता दी, माँ भर दे झोली। जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता दी, सारे बोलो। जय माता दी, चप्पल नहीं पहनूंगी मैं। जय माता दी। गाड़ी में बैठ गए और अभी चप्पल मैंने ली नहीं, मम्मी की चप्पल लो जल्दी से, चप्पल कहाँ है, चप्पल 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 ले ली। राजा बेटा हमारा बड़े भाई की गोद में सो गया क्योंकि आप लोगों को मालूम है ना जब छुट्टी होती है तो तन्मय की मॉर्निंग बहुत जल्दी हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठ जाता है, अपनी शाखा भी हो आया, गेम फुटबॉल का मैच भी खेल आया, दोस्तों के संग साइकिलिंग भी कर ली, तो अब थक गए भाई साहब। अब 20-25 मिनट हुए मुश्किल से हमें घर से अभी निकले हुए, महीने आ गई है नींद। हमें जाना था इस तरफ पुलिस ने पता नहीं क्यों रास्ता बंद कर दिया है और अब हमारे को इधर से जाना पड़ रहा है 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा, उसके बाद आएगा कट, अब फिर आएगी नहर, वहाँ से हमें रास्ता नहीं पता। तो ये आगे जो बाइक पर फैमिली जा रही है इन्होंने कहा है कि हमें फॉलो करो, हम आपको नहर तक पहुँचा देंगे, तो अब हम इन्हें फॉलो कर रहे हैं। और साथ में है गन्ने के खेत, धान के खेत, धान भी तैयार हो गई है फसल बिल्कुल, ये देखिए इधर कटिंग भी हो गई है धान की शुरू। मैं जब ऐसे एरिया में निकलती हूँ ना, आप लोगों को तो पता ही है ना मुझे क्या याद आता है, मुझे अपना घर याद आता है, अपना गांव।
बहुत जल्द दिखाऊंगी आपको अपना गांव, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया ना मैं बुआ बन गई हूँ, तो जाऊंगी ना अपने बाबू से मिलने के लिए, फिर आपको दिखाऊंगी अपना गांव। बात ऐसी है, नहर तक तो हम पहुंच नहीं पाए हैं क्योंकि रास्ता यहाँ के सारे बंद हैं और गाड़ी भी हमें वापस करनी है जिनकी गाड़ी है। तो अब हम रास्ते में ही, हमें एक जगह पानी का वो मिल गया है ट्यूबवेल, तो हम वहाँ पर माता को प्रवाहित कर रहे हैं। जैसी माता की इच्छा, आइए। नाटकों की फैमिली है ये, नाटकबाजों की सारी की सारी, और कुछ नहीं है। और अब हम ये ले जा रहे हैं ना, अब इसको हम अपनी चिड़िया के लिए बनाएंगे, इसमें हमारी चिड़िया रानी आया करेंगी। हाँ, और देख रहे हो क्या कौन रहे है, एक बाज कह रहा है चिड़िया के लिए। जो जल मैं लेकर आई हूँ वहाँ से माता के बर्तन में, बर्तन को तो हम चिड़िया के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इस जल को पूरे घर में छिड़काव किया जाता है जिससे कि माता रानी ठंड बरता कर जाए और सब सुख शांति रहे। एक तरह से माँ का आशीर्वाद होता है सबके लिए। नाउ अंश की टर्न, बदला पूरा ले लिया, पहले तन्मय को वो सुला रहा था, अब तन्मय अंश को सुला रहा है। अभी हम रुके हैं, रास्ते में हस्बैंड की शॉप पड़ती है और अभी तक शॉप ओपन नहीं हुई है ना, तो अब हम रास्ते में यहाँ रुके हैं शॉप खोलने के लिए, और थोड़ा सा इन्हें कुछ काम है, किसी को कुछ पेपर वगैरह भी देना है, तो बच्चे और मेरे हस्बैंड गए हैं शॉप खोलने के लिए। और क्योंकि मेरी गोदी में माता का जल है ना अभी, तो इसलिए मैं उतरी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं उतरूँगी तो फिर माता का जल मैं कहाँ रखूँगी, तो इसलिए मैं गाड़ी में ही बैठी हुई हूँ। और बाकी सब शॉप पर है, अगर पीछे देखें ना आप, दिख रहा है? हाँ, तो ये मतलब बाहर निकाल कर बोर्ड वोर्ड लगा रहे हैं बच्चों के संग मेरे हस्बैंड। बस यहाँ पर हो जाएगा ख़त्म, फिर सीधा घर जाएंगे, बिकॉज 11 बजने वाले हैं सुबह के, और अभी तक हम में से किसी ने भी कुछ खाया नहीं है। सुच्चे मुई हम माता को विदा करने आ गए थे, और अब बस यहाँ से जाने के बाद ही नाश्ता करेंगे। मम्मी जी भी वेट कर रही होंगी घर पर, उन्हें वो पूजा कर रही थी जब हम लोग आए हैं, तो बस अब जाकर नाश्ता करते हैं। शॉप ओपन हो गई और अब हम चल रहे हैं घर, बहुत तेज लग रही है भूख। क्यों राधे, चल ना रहे हैं, बैठे राधे का तो मुंह देखो कैसे लटक गया बेचारे का, बहुत तेज भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खा रहा नाश्ता वगैरह दूंगी ना, तो फिर थोड़ा सा ये सही हो जाएगा, पहुंचने वाले हैं घर बस। जय माता दी, मम्मी हो गई माता रानी विदा। हाँ, मंदिर खाली खाली हो गया भैया, चप्पल उतार दो। चलिए, जय माता दी। हमारा घर का भी वो हो गया व्लॉग, होम टूर, होम टूर हो गया। अपने स्टोर को भी दिखा रहे थे, जय माता रानी, स्टोर में भंडारे भर दे माता रानी। हाय हाय, क्या बात है, पूरा घर फैला हुआ है, आज ही देखना था हमने होम टूर। बता दो ये अम्मा का रूम है, ये हमारा मंदिर, अभी भगवान जी सो रहे हैं।
ये हमारा टीवी वाला रूम है, कूलर, फ्रिज, फोन, कुर्सियाँ, और हम मम्मी के रूम में आ गए हैं। अभी मैं दिखा नहीं रहा हूँ मम्मी को, मम्मी पे जूम है, मम्मी अगर मैं मुड़ा तो सब कुछ दिख जाए। ऊपर ऊपर से निकाल लो। ये भाई का रूम आया, अंधेरा है। ये साफ है क्योंकि बेड मैं साफ करके गया था, और ये कुछ भी साफ नहीं है क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया इसमें से, वरना मेरी वजह से ही हुआ ये जो भी हुआ है। यहाँ पे देखो ऐसे ये है। अब बाहर चलो, लाइट बंद। और ये हमारी सीढ़ियाँ, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, पेट पूजा के लिए सामान आ चुका है। आगे घर अब तो कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत तेज लग रही है भूख सबको, और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड प्लीज लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे पास नहीं है बिल्कुल टाइम, खाना बनाना है। बाय, टेक केयर।